Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल डाउट. दिस डाउट इज शेयर्ड बाय नीतीश कुमार फ्रॉम बिहार. डाउट क्या है उसको देख लेते हैं. डाउट सेज द स्पीड ऑफ ए मोटर लॉन्च. पहली बात तो देखिए, मोटर लॉन्च जो होता है उस बोट को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? बोट को. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वॉटर इज 8 मीटर पर सेकेंड. उसकी स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड है. एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 मीटर पर सेकेंड. और जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड. व्हेन द लॉन्च बिगिंस ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम ए फ्लोट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट. फ्लोट जो होता है बेटा वो ट्यूब होती है. जैसे ये देख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये ट्यूब है, लाइफ सेविंग ट्यूब. इसको फ्लोट बोलते हैं. जो कोई अगर डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. फ्लोट है, ठीक है. व्हेन द लॉन्च बिगिंस ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम ए फ्लोट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट. द लॉन्च ट्रेवल्ड 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम. और वो क्या करती है? ऊपर की तरफ 4.8 किलोमीटर चलती है, टर्नड अबाउट वापस घूमती है एंड कोट अप विद द फ्लोट. और फ्लोट को यानी कि इस ट्यूब को वापस कैच कर लेती है. हाउ लॉन्ग इज इट बिफोर द लॉन्च रीचेज द फ्लोट. मीन्स टाइम हमें कैलकुलेट करना है, टोटल कितना टाइम उसको लगेगा. सबसे पहले इसको हम एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले हैं, ठीक है. तो हियर वी गो. ये हमारे पास बोट है और ये फ्लोट है, दोनों चीजें हैं और स्ट्रीम भी हमारे पास है. अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस बोट की जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है और पानी की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है. और ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है. मीन्स पानी फ्लो कर रहा नीचे की तरफ, यानी कि ये साइड होगी डाउन स्ट्रीम और ये साइड जो है अप स्ट्रीम. होप इट इज क्लियर. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा है. बोट की स्पीड हमारे पास है, पानी की स्पीड हमारे पास है. अब क्या होगा, हम इस फ्लोट को पानी में डाल देंगे, ठीक है. तो ये कंडीशन आएगी और रेफरेंस पॉइंट हमारे पास आ चुका है. ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे येलो कलर से जो दिखाया मैंने रेफरेंस पॉइंट है. यहाँ पे बोट है और फ्लोट दोनों यहीं पर हैं, ठीक है. इसके बाद क्या होगा, ये बोट राइट साइड की तरफ मूव करेगी और ये फ्लोट पानी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है. ये लॉन्च कितना चलेगी? ये चलेगी 4.8 किलोमीटर. द लॉन्च ट्रेवल्ड 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम. चलिए चलाते हैं इसको. स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, उसकी अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? 8 - 4 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. मीन्स स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है. चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं. ओके. अब देखिए, ये जो बोट है ये रेफरेंस पॉइंट से 4.8 किलोमीटर दूर आ चुकी है और उसी टाइम पे जो फ्लोट होगा वो भी 4.8 किलोमीटर जा चुका हो डाउन साइड. क्यों? क्योंकि देखिए स्पीड जो आई है इस बोट की वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है. कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड. और पानी की स्पीड भी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है. यहां लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड. तो फ्लोट की स्पीड भी 4 मीटर पर सेकेंड ही होगी और इसकी स्पीड भी 4 मीटर पर सेकेंड है. तो अगर ये 4.8 किलोमीटर चल रहा है तो ये भी 4.8 किलोमीटर चलेगी. यहां तक क्लियर है? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. यहां पे हम इसमें टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए कर लेते हैं. टाइम जो हमारे पास होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 4800. इस स्पीड हमें किस में दिया है? मीटर पर सेकंड में दिया है. और स्पीड कितनी है इसकी? 4. तो टाइम हमारे पास है 1200 सेकंड, ठीक है. ये टाइम है बोट को यहां से यहां पहुंचने में. अब क्या हुआ, बोट टर्न अबाउट हुई, मीन्स वापस घूम चुकी है एंड नाउ इसको फ्लोट के पास पहुंचना है. डिस्टेंस कितना है टोटल? टोटल डिस्टेंस जो होगा वो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक टोटल ये 9.6 किलोमीटर हो जाता है. कितना? 9.6 किलोमीटर. तो 9.6 किलोमीटर को कवर करने कितना टाइम लगाएगी ये बोट वो देख लेते हैं. देखिए सबसे पहले हमें पता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम ऐड हो जाएगी 8 + 4 12 मीटर पर सेकेंड. एंड स्पीड ऑफ फ्लोट इन डाउनस्ट्रीम, क्योंकि फ्लोट की कोई खुद की स्पीड नहीं है तो वाटर की स्पीड से मूव करेगा, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है. देखिए जैसे ही बोट आगे की तरफ मूव करेगी फ्लोट भी आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना. लेकिन इफेक्टिव जो डिस्टेंस है 9.6 किलोमीटर इसको ही कवर करना है. तो इसके लिए कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड. तो रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं बोट की विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट तो वो आएगी रिलेटिव स्पीड इज 12 - 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है.
क्लियर है यहां तक? तो देखिए टाइम निकालते हैं, अभी टाइम आएगा हमारे पास, टाइम 9600 और स्पीड कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 12 98 होता है तो 12 पे कट जाएगा यानी 1200 आ जाएगा, 1200 सेकेंड। मीन्स उसे यहां से यहां तक आने में इसको 1200 सेकेंड लगा, और यहां से इस फ्लोट को कैच करने में इसको 1200 सेकेंड लगेगा, मीन्स टोटल उसको 2400 सेकेंड लगने वाला है। 2400 सेकेंड मीन्स 40 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए इसको आप नोटबुक में कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो स्माइल दीजिएगा और साथ में एक लाइक दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या, स्पीड ऑफ मोटर लॉन्च वो है 8 मीटर पर सेकेंड, फिर हमें गिवन है स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, फिर हमारे पास स्पीड ऑफ मोटर लॉन्च इन अपस्ट्रीम दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ मोटर लॉन्च इन डाउनस्ट्रीम 12 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टू ट्रेवल 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम बाय द बोट विल बी 4800 बाय 4 मीटर पर सेकेंड, तो कितना है 1200 सेकेंड टाइम आ चुका है हमारे पास। मीनवाइल द फ्लोट विल ट्रेवल डाउनस्ट्रीम, टाइम वही मिलेगा जिस टाइम में बोट राइट साइड में चलेगी, उसी टाइम में फ्लोट लेफ्ट हैंड साइड चलेगा, ठीक है। तो टाइम कितना रहेगा 1200 सेकेंड, और 1200 सेकेंड इंटू स्पीड क्या फ्लोट की 4 मीटर पर सेकेंड, 1200 सेकेंड इंटू 4 दैट इज 4800 मीटर। क्लियर है यहां तक? ओके। टोटल डिस्टेंस बिटवीन फ्लोट एंड मोटर लॉन्च 9.6 किलोमीटर, क्योंकि ये 4.8 किलोमीटर था तो ये कितना हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। नाउ टाइम टू कैच द फ्लोट डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये जो है ये है रिलेटिव स्पीड अपने पास, क्या है रिलेटिव स्पीड 8, ठीक है ना, 12 माइनस 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड, तो ये क्या 1200 सेकेंड। अब टोटल टाइम अगर हमें निकालना है टोटल टाइम कितना आएगा, 1200 सेकेंड ये लगा और 1200 सेकेंड ये लगा, तो 1200 1200 2400 सेकेंड, और दैट इज 40 मिनट्स। हियर इज द आंसर, होप यू गॉट इट। ध्यान रखिएगा आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा जो यूट्यूब का हैंडल है वो है @corecepts। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।